हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप सब जानते हैं हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, उसके बाद आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सो हमने जो भी चीजें करवाई थी आपको, उसका एक रिविजन सेशन यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मैं रिविजन कराऊंगी आप लोगों को। और ये रिविजन थोड़ा अलग होगा, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं एमसीक्यूज करा दूं कुछ और वही एक्सप्लेनेशन कर दूं। यहां पर आपको पहले मैं रिवाइज कराऊंगी कुछ चीजें, पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, देन उसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है? इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको इंस्टेंट याद आएगा कि क्या क्या चीजें आपने पढ़ी थी। फटाफट से आप अपने नोट्स खोलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको अच्छे से आ गई हैं, कौन कौन सी चीजों पर आपको और मेहनत करनी है और कैसे अब आप लास्ट टाइम पे क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है? देखिए, हम पे बहुत कम टाइम है, हर एक चीज आप अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर हम पहले एक पोर्शन का रिवीजन करेंगे और फिर उसके एमसीक्यूज आप लोगों के लिए मैंने ऐड करे हैं। एमसीक्यू नया सीखने को मिलेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रिविजन सेशन, जिसमें हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करने वाले हैं। So, यहाँ पर मैं आपको खुद से लिखकर हर एक चीज बताऊंगी कि कैसे आपको रिवाइज करना है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है? दो टर्म है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन और एक टर्म है बिहेवियर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है आप सभी जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है? कैसा कलेक्शन, क्या करना है हमने इस कलेक्शन का? हमने इस कलेक्शन का ये करना है कि ये जो कलेक्शन है ह्यूमन बींग्स का, वो अपने गोल्स के काम, गोल्स को अचीव करने के लिए, वर्किंग टुगेदर, गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहा है एक साथ मिलकर, वर्किंग टुगेदर टू अचीव योर कॉमन गोल्स, ठीक है? ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है आपका बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? बिहेवियर का मतलब होता है जो मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि जो रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के या फिर किसी ग्रुप का, है ना, किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी ग्रुप का, इस डायरेक्शन में कि कैसे हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। सो गोल्स का मतलब है ह्यूमन बींग्स का ऐसा कलेक्शन जो मिलकर एक गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। बिहेवियर का मतलब है जब हम इन गोल्स अचीव करने के रास्ते पर होते हैं, तो उस रास्ते पर कई ऐसे मूवमेंट्स हैं, कई ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं, कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो आते हैं, जिसकी स्टडी की जाती है। सो जब हम कंबाइनली कहें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, कंबाइनली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आप क्या कहेंगे, बिहेवियर ऑफ पीपल व्हाइल रिसाइडिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कह सकती हूं मैं सिंपल, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों का बिहेवियर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक गोल है, आपका गोल है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को टॉप 5 पोजीशन पर पहुंचाना है। क्या है आपका गोल? आपका गोल है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को टॉप 5 पोजीशन पर पहुंचाना है। इस गोल को अचीव करने के लिए कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ये हैं वो लोग, है ना, ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो जर्नी इनकी रहेगी इस गोल को अचीव करने के लिए, यहां पर कभी ये अच्छा फील करेंगे और हो सकता है कभी इन्हें बुरा फील हो, सैड फील हो, ठीक है? तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी में पूरा इंडिविजुअल पर्सन और किसी ग्रुप पर्सन को क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो बच्चों, ये कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है? समझ आया? देखो, ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ आपका क्विक रिविजन है, तो इसीलिए अब कुछ नोट नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ सुनना है, फटाफट देखना है कि क्या ये कंसेप्ट आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है? आपको ऐसा नहीं कि आप मेरे साथ लिखने बैठ जाओ, आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे देखना है और आपको देखना है कि कितना पोर्शन आपको आता है, कितना पोर्शन नहीं आता, ठीक है? समझ आया अभी तक? चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, इसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, अप्रोचेस। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, अप्रोचेस, या मैं कहूं आपने कुछ थ्योरीज पढ़ी होंगी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कुछ थ्योरीज पढ़ी हैं। तीन अप्रोचेस थी हमारे पास, पहली थी क्लासिकल अप्रोच, ठीक है? दूसरी थी आपकी नियो क्लासिकल अप्रोच और तीसरी थी आपकी मॉडर्न अप्रोच।
है ना। पहली थी क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच का मतलब है जो ट्रेडिशन तरीके चले आ रहे हैं, पुराने तरीके चले आ रहे हैं, उन्हीं को फॉलो किया जाता है। नियो क्लासिकल में थोड़ा से एडवांस हुए, ट्रेडिशन से थोड़ा सा हम एडवांस हुए, और मॉडर्न में तो भाई हम आज के जनरेशन के हिसाब से अपने रूल्स रेगुलेशन बनाकर काम करते हैं। जब मैं बात करूं क्लासिकल थियोरीज की, बच्चे इसकी साइंटिफिक है ना, साइंटिफिक जो किसने दी थी, F.W. टेलर ने। यहां पर इन्होंने बताए थे अपने प्रिंसिपल्स, आपकी नोटबुक में दिए होंगे। जैसे कि प्रिंसिपल्स में मैं आपको बताऊं क्या क्या थे इसमें, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, नोट्स में देखिए फटाफट अपने, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, मैक्सिमम आउटपुट, डेवलपमेंट ऑफ इंप्लॉइज, ये सारे प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे F.W. टेलर के अंदर साइंटिफिक अप्रोच में। ठीक है, कि हर एक चीज को आप साइंस से नहीं प्रूव कर सकते, रूल ऑफ थंब नहीं है हर एक चीज, उसके लिए आपको पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको मिलकर काम करना है, हार्मनी रखनी है, ठीक है, लड़ाई झगड़े नहीं करने, कोऑपरेशन से काम करना है, इंडिविजुअली नहीं काम करना, मैक्सिमम आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके देना है, और आपको अपने इंप्लॉइज को डेवलपमेंट करना है, टाइम टू टाइम उनका डेवलपमेंट करना है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। दूसरी चीज F.W. टेलर ने दी थी अपनी टेक्निक्स, याद है आप लोगों को टेक्निक्स, जैसे कि आपकी टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटीग स्टडी, ये सब देखिए आपके नोट्स में आपको सब मिलेगा, ठीक है ना, सारी चीजें आपको करवाई हुई है। दूसरा मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में क्या होता है, यहां पर हेनरी फ्योल आए थे, हेनरी फ्योल, ठीक है, हेनरी फ्योल ने कहा था कि मैं आपको देता हूं 14 प्रिंसिपल्स, आपको इन प्रिंसिपल्स को समझना है। क्या थे 14 प्रिंसिपल्स, फटाफट से अपनी नोटबुक खोलिए, देखिए अपने नोट्स में फटाफट से दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक है, आपकी अथॉरिटी टेलर चेन देखने को मिलेगा, यूनिटी ऑफ कमांड है, डायरेक्शन है, सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है, करवाई हुई है, 14 प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, बहुत इजी कंसेप्ट है, आराम से आप पहचान जाएंगे कि कौन से प्रिंसिपल की बात ये क्वेश्चन में कर रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आती है बी, बी फॉर आपका आती है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच क्या कहती है, किसने दी थी ब्यूरोक्रेटिक, मैक्स वेबर। नाम ध्यान रखिएगा, जहां पर आपको ऑथर्स के नाम दिए हैं आपको ध्यान रखना है किस ऑथर ने क्या बात कही है। सो मैक्स वेबर जी ने यहां पर क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई अगर आपको इररेगुलरिटी हटाना है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्मूथली फंक्शन करे, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना दो, जिससे क्या करे हर एक एम्प्लॉई रूल्स को फॉलो करे और काम जो है बहुत आसानी से चले, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे रूल्स की बात की गई थी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में, गिवन बाय मैक्स वेबर। समझ आया, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आती है आपकी नियो क्लासिकल अप्रोच। नियो क्लासिकल अप्रोच में कहा गया था ह्यूमन रिसोर्सेस को इम्पोर्टेंस देनी है रेदर देन फिजिकल रिसोर्सेस, ठीक है, मतलब कि आप इंसानों को ज्यादा महत्व दीजिए बजाय जो फिजिकल रिसोर्सेस आपके आसपास है, जैसे कि आपकी मशीनरी, आपका लैंड, आपकी बिल्डिंग, है ना, इन रिसोर्सेस को कम महत्व दीजिए, ह्यूमन रिसोर्सेस को ज्यादा महत्व दीजिए। यहां पर दो अप्रोच थी, कौन कौन सी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ठीक है, और यहां पर थी दूसरी आपकी ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच, ठीक है। अब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या कहती थी, किसने दी थी, एल्टन मायो ने दी थी। इन्होंने कहा था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में कि आपको जो भी आपके ह्यूमन से उन्हें मशीन की तरह ट्रीट मत करो, ठीक है, मशीन्स की तरह ट्रीट मत करो, उन्हें एज अ ह्यूमन ही ट्रीट करो। और यहां पर इन्होंने एक हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके ये प्रूफ किया था कि कैसे जो ह्यूमंस होते हैं, अगर आप उन्हें एक्चुअल में ह्यूमंस की तरह ट्रीट करें, मशीन की तरह ट्रीट ना करें, तो वो कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पे थ्योरी एक्स, ठीक है, विलियम आउची ने दी थी यहाँ पे थ्योरीज, ठीक है, सो थ्योरी एक्स थ्योरी वाई थी, और यहाँ पे लीडरशिप थ्योरीज भी थी, जो हम आगे के टाइम में डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप थ्योरीज क्या है, वो ह्यूमन बिहेवियर जो है लीडरशिप थ्योरीज को बताता है, ठीक है। दो थ्योरीज हो गए आपकी, क्लासिकल और नियो क्लासिकल। मॉडर्न थ्योरी की मैं बात करूं बच्चों, तो मॉडर्न में आपकी दो अप्रोचेज आती हैं, कौन कौन सी, एक आती है कंटिंजेंसी अप्रोच,
एक आती है आपकी सिस्टम अप्रोच, ठीक है। सो यहां पर सिस्टम अप्रोच क्या कहती है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज है, ठीक है, कोई भी एक चीज है उसे आपको सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करना है। एवरीथिंग कैसे मैनेज करना है? सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करना है अपने सिस्टम की नीड्स को अंडरस्टैंड करके। कंटिजेंसी थ्योरी क्या, कंटिजेंसी थ्योरी होती है सिचुएशन बेस्ड, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड थ्योरी, यानी कि जैसी सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन के लिए वही पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आप लेकर आएंगे। कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं भी इसमें डाल दो, है ना, ये नहीं था। सो यहाँ पे क्या है, जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही आपको नए नए सॉल्यूशंस लेकर आने होंगे, ठीक है, समझ आया, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। सो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मीनिंग बेसिक। अब फीचर्स वगैरह की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, वो तो आप नोट्स में देखकर कर लेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं क्विकली आपको रिवाइज करा रही हूँ। फिर हमने यहाँ पे इसकी थ्योरीज भी पढ़ ली, ठीक है, थ्योरीज पढ़ ली। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे करवाती हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि कितना आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाए हैं और कितना अभी आपको और क्लैरिटी की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार इसको कर लेते हैं, ये वाला कंसेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसे हटा देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि यहां से कई क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन में देखने को मिले थे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। सिंपल, ह्यूमन रिसोर्सेस का अरेंजमेंट कि कौन सा पर्सन किस प्लेस बैठकर अपना काम करेगा, क्या हम उसको टास्क, क्या उसके रोल्स होंगे, है ना, कितनी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कितनी अथॉरिटी होंगी, ये सब कैसे डिसाइड होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेस पर डिसाइड होता है। जैसे कि टॉप लेवल पे कौन होगा, मिडिल लेवल पे कौन होगा और लो लेवल पे कौन पर्सन काम करेगा, ठीक है। अब यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा टॉप स्ट्रक्चर, एक होता है टॉल स्ट्रक्चर और एक होता है आपका फ्लैट स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर या फिर इसे आप नैरो स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्या पता चलता है, नैरो स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, है ना, टॉल स्ट्रक्चर, नैरो स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पर क्या होता है, टॉल स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि एक पर्सन के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं। सो टॉल स्ट्रक्चर कहता है कि जैसे एक पर्सन है उसके अंदर दो लोग काम कर रहे हैं, फिर इस पर्सन के अंदर भी दो लोग काम करेंगे, इसके अंदर भी दो लोग काम करेंगे, यहां पर इसके अंदर दो लोग काम करेंगे, इस तरह से देखो स्ट्रक्चर जो है ना टॉल बनता जाएगा, मतलब आप इसको ज्यादा वाइड नहीं करेंगे, ठीक है, ये इस तरह से लंबा होगा, ये टॉल स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर की जब हम बात करें, सो इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा होता है, इसमें जैसे एक पर्सन है इसके अंदर आपने चार कैटेगरी बनाई, ठीक है, फिर इसके अंदर भी आप लोग चार कैटेगरीज बना रहे हैं, सो देखिए ये वाइड होता जाएगा। अब इसके अंदर भी जैसे आपने चार बनाने, इसके अंदर भी आपने चार बनाने, यहां पर भी आपके चार पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है, फिर अगर आप इसको और एक्सपैंड करेंगे तो ये वाइड होता जाएगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, इतना वाइड हो जाएगा। तो ये क्या है आपका वाइड स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लैट स्ट्रक्चर, समझ आया, एक है टॉल स्ट्रक्चर, एक है आपका फ्लैट स्ट्रक्चर। अब यहां पर अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जिसे ग्रेपवाइन भी कहते हैं, जैसे आप अपने ऑफिस में आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, वो वैसे तो आपका फ्रेंड है लेकिन ऑफिस में वो आपसे थोड़ी हायर पोजीशन पे है तो आपका वो बॉस बन जाता है, लेकिन अगर आप इसके साथ बाहर कहीं टहलने गए हैं तब आप वहां पर फ्रेंड्स का, फ्रेंड्स के तरीके से रहते हैं, तो ये इनफॉर्मल आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनफॉर्मल ग्रुप हो गया। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं, जैसे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहां पर आपकी हायर अथॉरिटी से डायरेक्शन फ्लो होता है लो अथॉरिटी तक, है ना, ये आपकी ओल्डेस्ट होती है और इसको हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी आती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फंक्शंस के बेस पर आपने इसे डिवाइड कर दिया, जैसे कि सेल्स में हो गया अलग पर्सन, एक फाइनेंस में हो गया, कोई पर्सन प्रोडक्शन में है ना, इस तरीके से। तीसरा आता है लाइन एंड स्टाफ, ये याद है आप लोगों को, जिसमें एक एडवाइजरी बॉडी बन जाती है, स्टाफ जो है एज अ एडवाइजरी बॉडी काम करता है, लाइन अथॉरिटी में जो लोग हैं उन्हें एडवाइज करता है। फोर्थ आता है आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दे दिया, आपको बोला कि चलो आप ये फ्लाईओवर बनाएंगे तो आप इस फ्लाईओवर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कीजिए, आप एक बिल्डिंग बनाएंगे तो आप चलिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कीजिए, एज एग्जाम्पल। फिर आती है आपकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप क्या कहते हैं, ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी प्रोजेक्ट और फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लास्ट आती है आपकी नेटवर्क, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, है ना, आपका म्युनिसिपल डिपार्टमेंट हो गया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई फॉर एग्जाम्पल। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी सीख लिया, है ना, फिर हमने क्या क्या सीखा, हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बता दिया मैंने आप लोगों को, इसके फीचर्स वगैरह तो आप लोग देख लेना, फिर उसके बाद मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बता दिया और इसकी थ्योरीज बता दी, ठीक है, क्लियर है यहां पे तक। इतने क्वेश्चंस ऐड करे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और उन क्वेश्चंस से आप लोग काफी सारी चीजें सीखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर है मैं आप लीडरशिप और मोटिवेशन की थ्योरीज एक साथ इसी तरीके से रिवाइज विद एमसीक्यूज, ठीक है। फिर आपके जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये टॉपिक्स करवाऊंगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करेंगे जो ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर जैसे आपका आ गया ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, है ना, ये सारे टॉपिक्स आगे के आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो मैंने ऐड किए हैं उन्हें हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में तो देखो एमसीक्यूज ही आने हैं, है ना, आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे कि बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये सब चीजें आप कैसे समझ पाएंगे, जब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छे से होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर वन, आइडेंटिफाई द रीजनिंग या रीजन बिहाइंड कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कारण की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? क्या उसका कारण रिसोर्स एलोकेशन है? क्या उसका कारण मार्केटिंग मैनेजमेंट है? क्या उसका कारण मोटिवेशन है या प्लानिंग प्रोसेस है? अब देखिए, हमें पता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड, लेकिन हमें इन रिसोर्सेज से काफी सारे अचीवमेंट्स लेने हैं। तो देखिए, रिसोर्सेज एलोकेशन एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। वही मार्केटिंग मैनेजमेंट, अगर आपने कोई चीज अच्छे से मैनेज करी हुई है तो कभी भी उससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। अच्छी प्लानिंग प्रोसेस है तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। लेकिन रिसोर्स एलोकेशन एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट में भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया था, वहां पर भी ये पॉइंट था रिसोर्स एलोकेशन वाला, है ना, था कि नहीं था? आपने नोट्स उठाइए, फटाफट से देखिए साथ साथ चीजें। नेक्स्ट आता है ग्राइकुनाज नेम इज लिंक्ड विद। तो ग्राइकुना जी है लिंक्ड है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड या नन ऑफ द अबव। सो देखिए, ग्राइकुनाज ने बच्चों यहां पर दिया था स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसका मतलब होता है कि एक पर्सन के अंडर कितने पर्संस काम करेंगे, या फिर मैं कहूं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट पर्संस हैं ये किस बॉस को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, इसे कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब ग्राइकुना जी ने यहां पर ना एक फॉर्मूला दिया था, ये देखिए इस तरीके से इन्होंने कहा था कि अगर आप डायरेक्ट रिलेशनशिप यानी कि वन टू वन रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कितने होंगे, टू, अगर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कितने हैं, टू, यानी कि एक पर्सन के अंडर दो लोग काम कर रहे हैं तो रिलेशनशिप कितना बनेगा,
दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। यहां पर दो लोगों के बीच, यहां पे जो रिलेशनशिप बनेंगे दो बनेंगे, क्लियर हुआ। फिर उसके अगर सपोज कीजिए तीन सबॉर्डिनेट्स हैं, एक पर्सन के अंडर तीन लोग काम कर रहे हैं, सो यहां पर तीन रिलेशनशिप स्टैब्लिश होंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका। उसी तरीके से यहां पर इंप्लॉय का बॉस के साथ, यहां पर इंप्लॉय का बॉस के साथ, ठीक है, समझ आया, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट कहा क्रॉस रिलेशनशिप। क्रॉस रिलेशनशिप का क्या मतलब, पर एक बॉस के अंडर जो पर्सन काम कर रहे हैं ये आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। सो यहां पर देखिए फॉर्मूला है एन एन माइनस वन। सो एन एन माइनस वन का मतलब है सबऑर्डिनेट्स टू है, जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया, ये है सबऑर्डिनेट वन, ये है सबऑर्डिनेट नंबर टू। एन एन कितना है, टू, फिर अगेन टू माइनस वन, यानी कि कितना आ जाएगा, ये टू आ जाएगा। तो जब सबऑर्डिनेट जब दो है तो रिलेशनशिप भी कितने बनेंगे, दो। अगर सबऑर्डिनेट तीन हो गए, यहां पर देखिए तीन सबऑर्डिनेट्स आ गए, सो ये तीन सबऑर्डिनेट जब होंगे तो रिलेशनशिप कितने बनेंगे, छह। एक तो ये हो गया तीन, या एक इसके बीच हो गया पांच, और एक इन दोनों के बीच हो गया छह, सिक्स रिलेशनशिप बनेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आए तो देख लीजिएगा कैसा रिलेशनशिप बनना है, और उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिलेशनशिप बनेंगे। वहीं ग्रुप रिलेशनशिप के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और टोटल अगर बताने की टोटल रिलेशनशिप कितने हैं तो ये फॉर्मूला इस तरीके से सेम है ये दोनों, ठीक है, समझ आया। यहां पर माइनस वन है, यहां पे एन माइनस वन, क्लियर है। सो इस चीज को देखो रटना मत बिल्कुल भी, आपको बस नाम ध्यान रखना है किसने दिया था, ये ग्राइकुना ने, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, पूछ सकता है। नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द रूल्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इन राइटिंग। कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स हैं, ड्यूटीज हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपको लिखकर दी जाती है, लिखकर। सो भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, क्योंकि इनफॉर्मल तो जैसे फ्रेंड्स हो गए, स्ट्रैटेजिक नहीं होता, बोथ बी एंड सी नहीं है, तो यहां पर यहां पर फॉर्मल रिलेशनशिप है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर आपको रूल्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन विच वर्क्स एट वेरियस हायरार्किकल लेवल्स इज। ऐसा कोऑर्डिनेशन जो अलग अलग हायरार्किकल लेवल्स पे डील करता है, जैसे कि यहां पर एक पर्सन है, इसके ऊपर एक और पर्सन है, इसके ऊपर एक और पर्सन है, यहाँ पे हायरार्की बनी है ना। सो ये हायरार्की कैसी है बताओ, ये हायरार्की कैसी है, ठीक है, ये आपका है वर्टिकल लाइन। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाती तो कौन सी होती, हॉरिजॉन्टल। सो हायरार्की लेवल ये वाली होती है बच्चे, टॉप टू बॉटम, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका, वर्टिकल, ठीक है, समझ आया, क्लियर है यहां पे तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्ट, सॉर्ट एनालिसिस। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसकी सिर्फ डेफिनेशन फुल फॉर्म ही देख लेंगे वो भी बहुत है। स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं सो उसकी स्टडी करने के लिए आपको इन चारों एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स, ठीक है। स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनफॉर्मल ग्रुप्स कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, अभी मैंने आपको रिवीजन करते टाइम बताया कि ग्रेपवाइन इसको दूसरा नाम हम बोलते हैं, ठीक है ना, आओ बहन चुगली करें ये वाला, ठीक है। सो इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन यहां पर होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेपवाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे हम, नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था अभी अभी, कि प्रोजेक्ट और फंक्शन डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बीच का कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनता है। सो इसमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि आपको इनकरेक्ट पूछा है, आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। सो स्टेटमेंट पढ़िए यहां पे मेरे साथ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये तो बिल्कुल सही बात बोली है, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर नॉट परमानेंट फिक्स्चर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं ना ये परमानेंट नहीं होते। अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड एज द नीड फॉर देम अराइजेस। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को तब बनाया जाता है जब उनकी जरूरत महसूस होती है, बिल्कुल।
अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तभी आप उसके लिए पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। टीम मेंबर्स हैव फंक्शन व्हेन दे आर नॉट नीडेड ऑन अ प्रोजेक्ट। टीम मेंबर्स के ऑप्शन है, ठीक है, अगर उन्हें प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है तो वो उस पे काम चाहे तो नहीं करें, ठीक है ना, ये भी सही है। लेकिन ये जो कह रहा है कि फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर नॉट परमानेंट, एक्चुअल में फंक्शनल डिपार्टमेंट्स परमानेंट ही होते हैं। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बनाना है तो आपको सेल्स डिपार्टमेंट रखना ही पड़ेगा, एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट रखना ही पड़ेगा, एक आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट रखना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है इस बार मन नहीं कर रहा है चलो सेल्स को हटा देते हैं, भाई प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, प्रोडक्ट को हटा देते हैं। प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, कैसे उसकी लेबलिंग करोगे, ब्रांड नेम कैसे रखोगे, फाइनेंस हटा देते हैं, पता कैसे चलेगा कितना खर्चा होना है इस पे, है ना। सो इस तरीके की चीजें। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया, क्लियर है यहाँ पे तक? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट शोज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रोसेस इज नोन एज। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी शो करता है, स्ट्रक्चर भी है इसमें, मैनेजमेंट प्रोसेस भी है इसमें, तो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे जो है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। अभी बताया मैंने आपको नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसमें बहुत बड़ा एक वाइड नेटवर्क है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सो इसमें आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज भी दिखेंगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर भी दिखेंगे इसके अंदर, और आपको अलग अलग मैनेजमेंट प्रोसेस भी नजर आएगा, ठीक है, समझ आया। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग टीम प्लेयर्स विल बी ग्रेटेस्ट वेयर द नेशनल कल्चर इज। टीम प्लेयर्स को बनाने में सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग होगा हमारे लिए कौन सा टाइप का कल्चर होगा, कलेक्टिविस्ट यानी कि जहां पर लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन से काम कर रहे हैं, जहां पर लोग एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक यानी कि यहां पर सिर्फ पर्सन अपने बारे में सोच रहा है, इंडिविजुअल पर्सन, प्लूरलिस्टिक जहां पर यहाँ पे टुगेदर अप्रोच चल रही है, ठीक है। सो देखिए सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर चैलेंज फेस करना पड़ेगा जब आप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में होते हैं, यानी कि जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ऐसे में आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आया। बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। देखिए मैंने यहां पे आपके ना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और कॉन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन भी ऐड किया है जिससे कि आपको थोड़ा रिवाइज हो कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। आगे भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, एक और सेशन जिसपे मैं इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओके। सो देखिए यहां पर क्या कहा, कौन सा इवेंट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, क्या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आप कस्टमर ओरिएंटेशन और एम्प्लॉय पॉलिसीज की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं मैम। क्या आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्वालिटी की बात करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करने की, मोटिवेट करने की बात करते हैं, बिल्कुल हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होना ही ऐसे चाहिए जिसमें आपके मोटिवेशन हो, आप क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सोसाइटी, ऐसा प्रोडक्ट हो मतलब ऐसा आपका जो प्रोडक्ट हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सोसाइटी के लिए, मतलब सोसाइटी का वेलफेयर करे, डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें डिसीजंस लिए जा रहे हैं, सर्विस में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई जा रही हैं अगेंस्ट सोसाइटी। नेक्स्ट इज रिएक्शन टू कॉम्पिटिटर्स एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेशन, ठीक है, क्या कह रहा है, आपको कॉम्पिटिटर्स को रिएक्शन देना है, बिल्कुल देना है, और अपने नेशन की तरफ ग्रेटिट्यूड रखना है खुद को, ठीक है, यानी कि अपने आप को विनम्र रखना है, ठीक है, कृतज्ञता फील करनी है, ओके। लास्ट में बोला रोल एम्बिग्यूटीज ट्रेड यूनियन एंड पॉलिसीज, क्या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये कहता है कि आपका ये रोल है पर्सन ए का और पर्सन बी का ये रोल है और पर्सन सी तुम अपना रोल ना खुद ही डिसाइड कर लो, क्या ये ऐसा कहता है, क्या रोल में एम्बिग्यूटी होती है यानी कि अनक्लियर होती है चीजें, नहीं, हम एक चीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्लियर रखते हैं, है ना। सो ये चीज हम डिस्कस नहीं करते। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी,
जहाँ पे ऊपर के चार ऑप्शन आएंगे ये नहीं आएगा। ई वाला ऑप्शन क्यों नहीं आया बच्चे? यहाँ पे एम्बिग्यूटी वर्ड जो है ना ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये आपका आंसर नहीं होगा। समझ आया? क्लियर है? सो आई होप ये 10 क्वेश्चंस प्लस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है, और आपका फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लीडरशिप स्टाइल्स, लीडरशिप थ्योरीज और आपकी मोटिवेशनल थ्योरीज के ऊपर बातें करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी मैं वहां पे ऐड करूंगी, जिससे कि आप पढ़ने के बाद एक बार कंसेप्ट उसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप इतना पोर्शन फटाफट से रिवाइज कर लीजिए और अपनी नोट्स भी यहाँ पे तक देख लीजिए, नेक्स्ट पोर्शन को हम आगे रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, बहुत कम टाइम बचा है, ज्यादा मत सोचिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने रिविजन पे ध्यान दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, कीप रिवाइजिंग।